फिर से नोटबंदी। 2000 का नोट वापस लेगा आरबीआई। 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आरबीआई ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। आरबीआई के सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर इस बड़े फैसले ने लोगों को हैरान कर दिया है। दरअसल आरबीआई ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपए के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपए के नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदला जा सकता है। नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपए है। रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के नोट को जारी किया था। पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 रुपए के नोट कम नजर आ रहे थे। लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपए नोट नहीं निकल रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने संसद में जानकारी भी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमारी।